बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें एक रास्ता दे दिया है, संविधान दे दिया है, सब कुछ है, फिर लुटेरा लूट क्यों क्यों लूट रहा है? क्योंकि हमने सही जड़ पर प्रहार नहीं किया। जिस दिन हम सही जड़ पर प्रहार कर देंगे उस दिन बात बन जाएगी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1931, 1930, 1931 और 1932 लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो सबसे महत्वपूर्ण आपको अधिकार दिया वो वोटिंग का अधिकार। वोटिंग के अधिकार से आप सरकारें बदलते हैं। एक बड़ा लुटेरा, एक छोटा लुटेरा, एक उससे छोटा लुटेरा, सारे लुटेरे, आपको लुटेरों को बदलने का पूरा अधिकार है आपके पास में एक वोटिंग का। लॉकडाउन लगाया, नोटबंदी की, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट जाएंगी कि आपके पास कोई भी उसका हिसाब नहीं होगा। हम लड़ने के लिए तैयार होते हैं एक बीमारी के लिए, दूसरी बीमारी तैयार होती है। जो बीमारी देने वाला है उसका इलाज कर, जो बीमारी देने वाला है उसका इलाज कर दीजिए। ये जो वायरस है ना, इस वायरस का इलाज करना पड़ेगा। आज करो, कल बात करो, 2024 में करो, 2029 में करो, या आपके आने वाले बच्चे करेंगे, इसका परमानेंट इलाज होगा। सभी मेरे सम्मुख बैठे हुए सभी को मेरा नमस्कार। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत। साथियों, समय की सीमा है इसलिए बिना फॉर्मेलिटी के ही मैं अपनी बात को रखना चाहता हूँ। लुटेरे का स्वभाव है लूटना, वो लूटेगा मगर उसको बदला जा सकता है, मगर हमारा चिंतन नहीं है वो बदलने का। हमारा चिंतन है समस्याओं पर, अच्छी बात है, समस्याओं पर चिंतन होना चाहिए। देश में केवल एक ठेका पड़ता समस्या नहीं है, इस देश में हजारों समस्याएं हैं। और मुझे जो लगता है एज ए यूथ, जो मुझे लगता है सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इस देश के अंदर वो जाति प्रथा। आपने देखा होगा कि एक ही प्राइवेट सेक्टर में एक ही दो जातियों के लोग क्यों रहते हैं। आप मीडिया को लीजिए, आप कॉलेजों को लीजिए, आप एजुकेशन को ले लीजिए, एक ही दो जातियों की सब सिस्टम पर पकड़ क्यों है? अगर ये प्रॉब्लम होती तो सबके लिए होती। मेरा मानना ये है कि ये जो प्रॉब्लम है ये क्रिएट की गई है, और ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, ये हजारों सालों की प्रॉब्लम है जो आज तक हमारा पीछे नहीं छोड़ रही है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाने के बाद आप लोगों को रास्ता दिया कि हाँ, इस प्रॉब्लम के लिए अधिकार हैं, लड़ने के लिए अधिकार हैं, मगर हम लोग नहीं समझ पाए। हमें जहां लड़ाई लड़नी चाहिए हमने लड़ाई नहीं लड़ी। हमने, हमारी सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। यूथ की इस देश में अलग प्रॉब्लम्स हैं, महिलाओं की अलग प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग जाति वर्गों की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। हो सके तो मेरे को लगता है कि देश में जितनी प्रॉब्लम्स हैं शायद दुनिया के किसी भी देश में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। इन सबकी जनक एक ही है, वो जाति है, जाति। मुझे और कुछ नहीं लगता। पूरे आंदोलन को देख लीजिए, बाबा साहब के आंदोलन को देख लीजिए, फूले के आंदोलन को देख लीजिए, कबीर के आंदोलन को देख लीजिए, बुद्ध के आंदोलन को देख लीजिए, सब विषमता से लड़ते आए हैं सब लोग, मगर आज तक वो पीछा नहीं छोड़ रही है, हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। और मुझे लगता है कि उसको साथ ही ले जाना पड़ेगा, फिर और दूसरे लोग आएंगे वो भी लड़ते रहेंगे। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें एक रास्ता दे दिया है, संविधान दे दिया है, सब कुछ है, फिर लुटेरा लूट क्यों रहा है? क्यों लूट रहा है लुटेरा? क्योंकि हमने सही जड़ पर प्रहार नहीं किया। जिस दिन हम सही जड़ पर प्रहार कर देंगे उस दिन बात बन जाएगी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1931, 1930, 1931 और 1932 में लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो सबसे महत्वपूर्ण आपको अधिकार दिया वो वोटिंग का अधिकार दिया था। वोटिंग के अधिकार से आप सरकारें बदलते हैं। एक बड़ा लुटेरा, एक छोटा लुटेरा, एक उससे छोटा लुटेरा, सारे लुटेरे हैं। आपको लुटेरों को बदलने का पूरा अधिकार है आपके पास में एक वोटिंग का अधिकार है। क्या हमने कभी इस पर सोचा? कभी जन आंदोलन चलाया? क्या हम कभी उससे हिस्सेदार बने? बहुत से लोग तो कहते हैं कि राजनीति से मुझे कोई लेना देना नहीं। हाँ, लेना देना नहीं होगा, मगर राजनीति से तुमको लेना देना है। कब तक भागोगे आप? सब मंचों पर जाते हैं, राजनीति की बात मत करो। राजनीति है तो समस्या है, क्योंकि राजनीति ने ही समस्या को पैदा कर रखा है।
जब तक हम राजनीति को साफ नहीं करेंगे, और राजनीति में अच्छे लोग ईमानदार लोग नहीं आएंगे जो अपनी बात को कह सकते हैं बिना किसी डर के, बिना किसी लालच के, बिना किसी पद के, जब बात बनेगी हमें राजनीति का हिस्सा बनना पड़ेगा, अच्छी राजनीति का हिस्सा बनना पड़ेगा, अच्छे लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा राजनीति में आने के लिए। क्योंकि जब तक हम अच्छे लोगों को राजनीति में नहीं लेकर आएंगे, जब तक हमारी समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अकेले आए, हजारों सालों की गुलामी को काट दिया, हजारों सालों की गुलामी को काट दिया। जब एक व्यक्ति मात्र एक जीवन में हजारों सालों की गुलामी को काट सकता है, जो समस्या का कोई समाधान नहीं था, जिस समस्या का कोई समाधान नहीं था उस समस्या का समाधान देकर जा सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम तो बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम है। केवल हमको सोचना है, केवल हमको खड़ा होना है, और हम खड़े हो जाएंगे तो बात बन जाएगी। हम समस्याओं की बात करते हैं, समस्याओं को जड़ को उखाड़ कर नहीं फेंकना चाहते। यह आंदोलन बड़ा करना पड़ेगा, हमें अपनी लिमिट से बाहर निकलना पड़ेगा। हम अपनी लिमिट से बाहर नहीं निकलना चाहते। हमने सोचा कि मेरा एक दायरा है, छोटा सा दायरा है, मैं उसमें ही काम करना चाहता हूं। काम करने के लिए कोई और आने वाला नहीं है, अब महापुरुष आने वाले नहीं है आपको आजाद कराने के लिए। क्या आप सोच रहे होंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लौट कर आएंगे, या मिस्टर गांधी लौट कर आएंगे, या कोई और लौट कर आएगा? कोई लौट के आने वाला नहीं। आपको खड़ा होना पड़ेगा अपने देश को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, अपने आने वाले बच्चों को बचाने के लिए। और जो कौमें खड़ा नहीं होती हैं, वो अपनी कौमों को, आने वाले बच्चों को कभी आजाद नहीं कर सकते। आज हम लोग बोल रहे हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, एजुकेशन है हमारे पास, तो इसमें किसी की भूमिका है? अगर मेरे बुजुर्ग अगर इसमें नहीं मदद करते, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने चार चार बच्चों की कुर्बानी नहीं देते, शायद मेरे जैसे लोग पैदा नहीं होते। क्योंकि हमें तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, रोजगार करने की तो बहुत दूर की बात है, पर रोजगार करने की तो बहुत दूर की बात है, हमें तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमें लड़ने का अधिकार नहीं था, हमें व्यापार करने का अधिकार नहीं था। इट मीन्स कि हम तो इंसान भी नहीं जाने जाते थे। और हमको इंसान बनाने के लिए बुद्ध ने अपना राजपाट छोड़ दिया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने धर्म छोड़ा कि हम इंसान बन जाए। माननीय काशीराम साहब ने नौकरी घर छोड़ा, हजारों लोगों ने क्या क्या छोड़ा, मगर आज भी हम इंसान नहीं बन पाए। आज भी बहुत सारे लोग समझते हैं कि कीड़े मकोड़े हैं। अगर इनका जो डिफरेंस है, जो वेजेज में डिफरेंस है, कि अगर 15,000 रुपया गवर्नमेंट रजिस्टर करती है, 3,000-4,000 देके ही काम चला देंगे, तो बेईमानी है हमारे खिलाफ। हम आज भी इंसान नहीं है, वो इंसान नहीं समझते हमें। उनसे ये उम्मीद करना कि वो आपको इंसान समझेंगे बेईमानी है। वो नहीं समझेंगे आपको इंसान, वो आपकी प्रॉब्लम को दूर नहीं करेंगे। आपकी अपनी प्रॉब्लम है, बीमार आप लोग हैं, तो दवाई आपको खानी पड़ेगी। कोई दूसरा दवाई खाए और ठीक आप हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। या हो सकता तो बताइए। तो आपकी प्रॉब्लम है, आपको खड़ा होना पड़ेगा। आपको अपने बीच में से अच्छे नेता निकालने पड़ेंगे, अच्छा नेतृत्व करने वाले निकालने पड़ेंगे, जो ईमानदार हैं, जो आपको कुछ देना चाहते हैं, जो त्याग करना चाहते हैं अपने जीवन का, अपने सब कुछ का। और जब त्यागी लोग नहीं होते हैं, तो वहां परिवर्तन नहीं होता है। वैसे ही परिवर्तन नहीं मिल जाता है क्या? आपको वैसे ही आजादी मिल जाएगी? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आपको संविधान देकर गए, उस संविधान को वैसे ही बचा लेंगे आप लोग? संविधान सारी समस्याओं की एक प्रकार से सॉल्व कुंजी है, मात्र किताब नहीं है वो। एक किताब है, खा भैया किताब देख लिया, किताब के लिए आपने पढ़ लिया, किताब नहीं है वो। संघर्ष है हजारों सालों का, संघर्ष का निचोड़ है हजारों सालों का, उसमें आपकी हर समस्या का समाधान है। ऐसा क्यों है कि आप सारी विपत्तियों के मालिक हैं और कुछ चंद लोग सारी संपत्तियों के मालिक हैं? कभी आपने सोचा कि चंद लोग संपत्तियों के मालिक हैं और आप सारी विपत्तियों के मालिक हैं? सारी भी समस्या सब आपके पास में है। ये कोई नेचुरल प्रोसीजर से नहीं आई ये समस्या। कुछ लोग तो बताते हैं कि पिछले जन्मों का आपका वो है, पिछले जन्मों की बात बताते हैं। ये नेचुरल लेवल से नहीं है, ये लोगों के द्वारा बनाई हुई प्रॉब्लम्स है। और जब जब भी आप एक प्रॉब्लम से दूर होंगे, दूसरी प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी होगी।
दूसरी प्रॉब्लम से दूर होंगे, तीसरी प्रॉब्लम खड़ी होंगी, जैसे अभी बताया प्रोफेसर साहब ने, लॉकडाउन लगाया, नोटबंदी की, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट जाएंगी कि आपके पास कोई भी उसका हिसाब नहीं होगा। हम लड़ने के लिए तैयार होते हैं, एक बीमारी के लिए दूसरी बीमारी तैयार होती है। जो बीमारी देने वाला है उसका इलाज कर दीजिए, जो बीमारी देने वाला है उसका इलाज कर दीजिए। ये जो वायरस है ना, इस वायरस का इलाज करना पड़ेगा आपको। आज करो, 2 साल बाद करो, 2024 में करो, 2029 में करो, या आपके आने वाले बच्चे करेंगे, इसका परमानेंट इलाज होना चाहिए।